अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड फॉर माय न्यू व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ शाहनूर मलिक। सो आज मैं आप लोगों के साथ सिंपल वे में हाफ कट क्रीज ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ। ये वाला मेकअप आप लोग किसी भी ओकेजन में कर सकते हैं। सो फेस के ऊपर मैंने ओल हेनरिकसन का प्राइमर अप्लाई किया है और उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर से। और ये कलर मैंने लिया है एनास्थासिया बेवरली हिल्स के पैलेट में से। और इस तरीके से हम लोग अपनी आईब्रोज़ को फिल कर देंगे। सबसे पहले मैंने इसकी आउटलाइन की है और उसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल कर दिया है। यहाँ से जहाँ से आईब्रोज़ स्टार्ट होती हैं वहाँ पर हम लोग कलर को लाइट रखेंगे और बाकी अपनी ब्रोज़ को हम लोग सही तरीके से फिल कर लेंगे। उसके बाद मैंने एल्फ का कंसीलर लिया है और फ्लैट ब्रश के साथ मैं कंसीलर से अपनी आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ। इस तरीके से आईब्रोज़ को नीट करने के बाद मैं फ्लैट ब्रश के साथ ही इसी कंसीलर को अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई कर लूँगी और अपनी अच्छी सी आई बेस बना लूँगी। डैप कर करके हम लोग इस कंसीलर को अप्लाई करेंगे, स्वाइप नहीं करेंगे ताकि हमारा जो आईज़ के ऊपर प्राइमर लगा हुआ है वो ना उतरे। उसके बाद बड़े ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अपनी जो मैंने आई बेस बनाई है उसको अच्छे से हम लोग डैप कर करके ब्लेंड करेंगे और आउटर में और इनर में जो लाइंस हैं उनको भी हम लोग ब्लेंड कर देंगे ताकि हमारी जो बेस है वो अच्छी स्मूथली सी जो है उसकी फिनिशिंग आए। फिर इसी तरीके से आईब्रोज़ को ऊपर से भी कंसीलर के साथ हम लोग नीट कर लेंगे और इसी तरीके से बड़े ब्लेंडिंग ब्रश के साथ हम इसको ब्लेंड कर देंगे। और ये हमारी नीट सी आई बेस जो है वो रेडी है। नेक्स्ट मैं फार्मेसी का पैलेट ले रही हूँ और इसमें से मैं ट्रांजिशन के लिए ये लाइट ब्राउन शेड है इसको मैं ले रही हूँ और मैं क्रीज ब्रश के साथ इसको अपनी क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों के साथ मैं इस कलर को अप्लाई कर रही हूँ और डैप कर करके मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। इससे ही होता है कि इसकी जो ब्लेंडिंग है वो साथ साथ होती रहती है। फिर हल्के हल्के हाथों से बैक एंड फोर्थ भी मैं कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कलर लेके हम इसको डार्क करेंगे और अब मैंने इनर से इसको मैं बहुत लाइटली ब्लेंड कर रही हूँ ताकि इनर से इसकी जो हार्श लाइन है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट मैंने शेड लिया है ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर है और इसको मैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अपनी क्रीज एरिया से थोड़ा सा नीचे करके मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा कलर लेकर हम इसको डार्क करते रहेंगे और डैप कर करके लगाएंगे ताकि इन कलर्स की साथ साथ ब्लेंडिंग भी होती रहे। जहाँ पे हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग कलर को बैक एंड फोर्थ करके भी ब्लेंड करेंगे और सर्कुलर मोशन में भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब क्रीज एरिया को एक दफ़ा दोबारा से ब्लेंड किया है ताकि इसकी फिनिशिंग हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इस शेड को इंटेंस करने के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है। थोड़ा सा किसी भी ब्रांड का आप लोग ब्लैक कलर जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और हल्के हाथों से इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। ब्लेंडिंग को हम लोग बहुत हल्के हाथों से करेंगे क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्लेंड करेंगे तो नीचे से हमारे कलर और हमारी बेस जो है वो उतरने लग पड़ेगी। नेक्स्ट मैं कट क्रीज कर रही हूँ। कट क्रीज के लिए मैंने सेम कंसीलर लिया है एल्फ का लिक्विड कंसीलर और फ्लैट ब्रश के साथ मैं कट क्रीज कर रही हूँ। जब हम लिक्विड कंसीलर के साथ कट क्रीज करते हैं तो हमारी कट क्रीज बहुत ज़्यादा नीट बनती है। नेक्स्ट मैं फार्मेसी का पिगमेंट ले रही हूँ गोल्डन फॉरेस्ट। ये ऑलिव गोल्ड कलर में है और इसको मैं डायरेक्ट कंसीलर के ऊपर ही अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया जब मैंने कंसीलर से कट क्रीज किया है। जस्ट मैं आई शेडो ब्रश के साथ, जो फ्लैट आई शेडो ब्रश होता है, उसके साथ इस पिगमेंट को मैं प्रेस कर करके लगा रही हूँ।
ये देखिए कितना खूबसूरत ये कलर है और बहुत अच्छे से ये लग भी गया है। नेक्स्ट मैं आउटर कॉर्नर को नीट कर लूँगी, जैसे हम लोग विंग लाइनर लगाते हैं उस तरीके से मैं कंसीलर के साथ इसको बिल्कुल नीट कर लूँगी। इस तरीके से मैं इसकी विंग लाइन लगाने के बाद इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं बड़े ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया ताकि इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी सी हो जाए। फिर जो डार्क ब्राउन कलर था वो मैं पेंसिल ब्रश के साथ उसका मैं लाइनर लगा रही हूँ। जिस तरह से हम लोग लाइनर लगाते हैं सेम उसी तरीके से लाइनर लगाएंगे, लेकिन हाफ लाइनर हम लगाएंगे और इसके लिए मैंने स्मॉल पेंसिल ब्रश जो है वो लिया है। नेक्स्ट मैं सेम यही वाले पिगमेंट को लाइनर ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई पिगमेंट नहीं है तो आप लोग शिमर आई शेरो भी लगा सकते हैं और इस लाइन के लिए आप लोग लिक्विड जो आई शेरोज होते हैं वो भी लगा सकते हैं और ग्लिटर लाइनर भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपनी ब्रो बोन एरिया पे और फिर उसके बाद क्रीज एरिया को मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि इसकी जो ब्लेंडिंग और फिनिशिंग है वो अच्छी हो जाए। नेक्स्ट मैं मैग्नेटिक आईलैशेस लगा रही हूँ। मैग्नेटिक आईलैशेस के साथ ये लाइनर मिलता है, ये मैग्नेटिक आईलाइनर है। इसको लगाने के बाद थोड़ा सा इसको जब ड्राई कर लेते हैं लाइक 15 to 20 सेकेंड में ये ड्राई हो जाता है और फिर उसके बाद इस तरह जो आई लैशेज़ हैं वो हम अप्लाई कर लेते हैं। सो लाइनर को ड्राई होने के बाद मैंने ये आई लैशेज़ अप्लाई की हैं और ये फ़ौरन से स्टिक हो जाती हैं। नेक्स्ट मैंने नेक्स का कंसीलर अप्लाई किया है अपने अंडर आईज़ में। उसके बाद एस्टी लॉडर की मैंने फाउंडेशन ली है 2N2 बफ और फाउंडेशन ब्रश के साथ इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर दूंगी। आप लोग कोई सी भी फाउंडेशन अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और कोई सभी करेक्टर जो भी आपके पास है वो आप लोग ले सकते हैं और जहाँ जहाँ पे आपके पिगमेंटेशन डार्क सर्कल्स वगैरह हैं वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बिल्डेबल है इसलिए इसमें कंसीलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं अपनी फाउंडेशन को सेट करी हूँ लॉरा मर्सियर के ट्रांसलूसेंट पाउडर से। आप लोग किसी भी ब्रांड का ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैं नेक्स की जंबो आई पेंसिल ले रही हूँ ब्लैक और इसको मैंने वाटर लाइन में अप्लाई किया एंड देन मैं स्मॉल पेंसिल ब्रश के साथ इसको स्मच कर रही हूँ। उसके बाद मैंने शेडर ब्रश लिया है और डार्क ब्राउन कलर लेकर इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है। नेक्स्ट जो क्रीज एरिया में मैंने शेड लगाया था लाइट ब्राउन वही शेड लेकर मैंने इस डार्क ब्राउन को ब्लेंड कर दिया है। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरी ये मेकअप लुक पसंद आई होगी। सो अगर आप लोगों को मेरी ये मेकअप लुक पसंद आई है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। और इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे मेरा अकाउंट है शेड्स ऑफ ब्यूटी, उस पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।